गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन होने वाला है वो धमाकेदार सेशन होने वाला है। और पिछले कुछ दिनों से जो सेशन चल रहे हैं वो राजस्थान CHO सिलेबस के अकॉर्डिंग धमाकेदार सेशन चल रहे हैं, ज़ोरदार सेशन चल रहे हैं। ये है राजस्थान CHO भर्ती 2023 जो फरवरी माह में होने वाली है, उसके लिए स्पेशल CHO MCQ सेशन की सीरीज चल रही है अपनी, जो आज उसकी 14 नंबर क्लास है, 14वीं क्लास है। और हर क्लास में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान CHO लेवल की है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्लास अपलोड की जा चुकी है। अगर आपको राजस्थान CHO भर्ती का एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपको राजस्थान CHO भर्ती में जॉब लगना है और एक रेपूटेड जॉब लगना है, तो आप मेरे पीछे की जो 13 क्लासें हैं वो ज़रूर देखें। और रात को 9 बजे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट की थ्योरी पोर्शन हम राजस्थान CHO सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो अगर उन वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो मेरी है उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके, सबसे फास्ट मिल सके। तो चलो साथियों, आज अपन शुरू करते हैं एक और धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो कि राजस्थान CHO एग्ज़ाम को कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन कि आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विद मिजल्स बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो क्या आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विद मिजल्स, मिजल्स हो रहा है चाइल्ड को, ठीक है, उसको क्या करना है, आइसोलेशन करना है, आइसोलेशन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जाएगा, स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन है, स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन है उसमें चला जाएगा। ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जितने भी होते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वो प्राइमरी प्रिवेंशन होते हैं। कौन से होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा यहाँ पर, प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान CHO के लेवल का जो क्वेश्चन है कि प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो अपन ऑप्शन पढ़ते हैं कि टू सपोर्ट एंड सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। दूसरा ऑप्शन है टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट ऑफ थ्रू प्रमोशन फैमिली वेलफेयर फोकसिंग पर्टिकुलरली ऑन मदर्स एंड चिल्ड्रेन। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम विद सर्विस दैट विल बी इंक्रीज देयर लेवल ऑफ हेल्थ। ऑप्शन डी है टू इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी टू कोप विद देयर हेल्थ नीड्स। बिल्कुल ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसकी डेफिनेशन को सही साबित कर रहा है कि टू इन्हेंस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी टू कोप विद देयर हेल्थ नीड लड़ने के लिए वो तैयार करती है। ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान CHO में आने लायक क्वेश्चन है। तो अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया तो राजस्थान CHO में यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्कूल नर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर फंक्शन। तो एग्जाम्पल ऑफ स्कूल नर्सेज हेल्थ केयर प्रोवाइडर फंक्शन। तो पहला ऑप्शन है इसका कंडक्टिंग रैंडम क्लासरूम इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मीजल्स एपिडेमिक ऑब्जर्विंग प्लेस इन द स्कूल वेयर पीपल्स स्पेंड देयर फ्री टाइम रिक्वेस्टिंग फॉर BCG RHU फॉर द स्कूल एंट्रेंट इम्यूनाइजेशन टेकिंग मेडिकल एक्शन एंड एक्सीडेंट हजार्ड इन द स्कूल प्लेग्राउंड। तो अपना जो इसका राइट आंसर है वो चला जाएगा, राइट आंसर जो है इसका वो चला जाएगा अपना कौन सा भाई, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ए इज़ राइट आंसर कि कंडक्टिंग रैंडम क्लासरूम इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मिजल्स
एपिडेमिक, तो राइट आंसर है इसका ए चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। फोर नंबर जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल हेल्थ बोर्ड। तो म्यूनसिपल हेल्थ बोर्ड जो होता है उसका चेयरमैन कौन होता है? म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर होता है पहला ऑप्शन, दूसरा है मेयर, तीसरा है पब्लिक हेल्थ नर्स, चौथा है डॉक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा मेयर, ऑप्शन बी। बी इज़ राइट आंसर। मेयर जो होता है वो चेयरमैन होता है, कौन? म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन होता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट का देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव नंबर क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि CHN इज़ ए कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस बेस्ट एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट। CHN है एक कम्युनिटी बेस्ड प्रैक्टिस होती है, जिसका जो आंसर है वो है पहला ऑप्शन है इसका प्रायोरिटी सेटिंग्स बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पीपल। सी है इसका सर्विस द बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद इन द कम्युनिटी, एंड लास्ट जो इसका ऑप्शन है वो है द नर्स हैज़ कंडक्ट कम्युनिटी डायग्नोस टू डिटरमाइन नर्सिंग नीड्स एंड देयर प्रॉब्लम। इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग द पर्पज ऑफ स्टीम इनहेलेशन, स्टीम इनहेलेशन का पर्पज क्या है? तो वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड एयर, एयर को वार्म और ह्यूमिडिफाई करना, प्रोमोट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रमोट करना, म्यूकोलाइटिक, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा बी ऑप्शन, इज बी इज राइट आंसर कि प्रमोट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, बिल्कुल इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है? सेवन नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेवन नंबर क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉट ट्रू अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में क्या सही नहीं है? ऑक्सीजन इज कैन इरीटेट म्यूकस मेम्ब्रेन, क्या ये सही है? बिल्कुल, म्यूकस मेम्ब्रेन को इरीटेट करती है। ऑक्सीजन इज ओडोरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस, गैस होती है, बिल्कुल राइट है। एक्सेसिव ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और ऑक्सीजन कैन इरीटेट म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी वो काम करती है। तो क्या नहीं करती? ये जो है वो एक्सेसिव ऑक्सीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेट करने से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा सी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है कि साकिट टेप मेथड का यूज किस में किया जाता है। तो साकिट टेप है ना एक मेथड, एक टेप होती है जिस पे कुछ नंबरिंग्स करी हुई होती है, और ये मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस जो है MAU मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस है, उसको नापने का काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है कि यू आर न्यू BSN ग्रेजुएट, यू वांट टू बिकम पब्लिक हेल्थ नर्स, विल अप्लाई, क्या अप्लाई करना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, रीजनल हेल्थ ऑफिस, रूरल हेल्थी यूनिट। बिल्कुल रूरल हेल्थी यूनिट इसका राइट आंसर है, आंसर इज सी इज राइट। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर टेन वापस रिपीट हो गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन फिर वापस रिपीट हो चुका है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नंबर जो क्वेश्चन है वो है इम्यूनाइजेशन प्रोड्यूस परमानेंट स्कार, कि कौन सा इम्यूनाइजेशन है जो परमानेंट स्कार दे देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ए, BCG जो है वो परमानेंट स्कार देता है। बिल्कुल कौन देता है? BCG परमानेंट स्कार का ऑप्शन है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्टीन नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग वोमेन शुड बी कंसिडर स्पेशल टारगेट फॉर फैमिली प्लानिंग, के लिए कौन से टारगेट फैमिली प्लानिंग को टारगेट करना है। तो दोज हु हैज जस्ट है डिलीवर विद इन
15 मंथ, बिल्कुल राइट आंसर इसका ए है, ए इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वीक ओल्ड बेबी वाज ब्रोट टू द हेल्थ सेंटर एंड फर्स्ट इम्यूनाइजेशन विच कैन गिवन हिम। तो सबसे पहले इन्फेंट को अपन BCG देंगे एट बर्थ पे देना था, लेकिन एट बर्थ पे नहीं दे पाए, ये 4 वीक बाद आया है, 4 वीक बाद आती है, सबसे पहले इसको BCG दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैक्सीन मेनिनजोकोकल मेनिनजाइटिस प्रोवाइड इम्यूनिटी दैट लास्ट फॉर। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा 3 ईयर, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन है कि मेजर टेकन टू स्टॉप प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, डिजीज को प्रोग्रेस होने से रोकना है तो वो कौन सा कहलाता है, तो वो कहलाता है अपना सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका जो हो जाएगा प्रोग्रेस को, तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट अपन 17, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि MMR वैक्सीन कब दी जाती है। तो MMR वैक्सीन जो होती है वो दी जाती है 12 से 15 मंथ पे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो डी चला जाएगा, 12 से 15 मंथ। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एपिडेमिक विद विच स्प्रिड अप फॉर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री ओवर द वर्ल्ड। तो वो कंट्री टू कंट्री है, वो पेंडेमिक होती है, जो कोरोना जो है, कोरोना वो किस में था, पेंडेमिक में था, कोरोना जो है वो पेंडेमिक में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कि रबर कैथेटर शुड बी स्टेलाइज। रबर कैथेटर को स्टेलाइज कैसे करेंगे, रबर कैथेटर को, तो हॉट एयर गैस से, बॉइलिंग से, 2% ग्लूटल्डिहाइड से। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा सी, सी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूनिसेफ जो होता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है अभी अपन ने पढ़ा था कि दिल्ली, दिल्ली, लंदन, इटली या न्यूयॉर्क। यूनिसेफ है, उसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क, बी इज़ योर राइट आंसर न्यूयॉर्क। तो ये थे साथियों 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान CHO एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसी धमाकेदार क्लासें अपन लाते रहेंगे आगे भी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो जब लाइव आता है सुबह 10 बजे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ में आए। और एक और अनाउंसमेंट ये है कि अगर मेरे लाइव सेशन में डेली 100 से ज़्यादा बच्चे अगर लाइव देखते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि डेली उनको टेस्ट मिले, इसलिए डेली टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दूँगा अगर 100 से ज़्यादा बच्चे लाइव मुझे डेली देखेंगे तो। ठीक है, सब्सक्राइब तो सबको करना ही करना है, लाइक ज़रूर करें, जो भी बच्चा वीडियो देखे लाइक ज़रूर कर दे। लाइक के आपके कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और आपके एक लाइक होने से, एक सब्सक्राइब होने से और एक शेयर होने से मुझे जो मोटिवेशन मिलेगा उसको लेकर मैं बहुत अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ है वो आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो साथियों ये थी क्लास नंबर 14। 14 क्लास में अपन ने 20 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े, जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान CHO में आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। तो इससे पहले तेरह क्लास अपलोड की जा चुकी है, उन क्लास को अगर कोई मिस कर देगा तो वो राजस्थान CHO से पीछे हटता जाएगा। तो अगर आपको राजस्थान CHO फाइट करना है, और मैं तो ये कहूँगा कि आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको इस भर्ती की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी नौकरी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। राजस्थान CHO जो है उससे अच्छी नौकरी कोई भी नौकरी नहीं होती, आपके घर के पास में आपको नौकरी मिलेगी, है ना, तो बहुत अच्छी नौकरी है। तो इसलिए अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो जुड़ जाओ मेरे साथ, है ना, और मेरे साथ पढ़ते रहो, मेरे साथ टेस्ट सीरीज देते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू सो मच साथियों मेरे को सुनने के लिए इतनी देर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब मेरे लाइव सेशन में ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे। और जो
अगला जो टेस्ट होने वाला है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको जल्द ही ग्रुप में कर दूंगा। ग्रुप में मैं एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि रात को अपनी 9 बजे जो क्लास होगी उसमें, और एक धमाकेदार थ्योरी का जो पोर्शन अपन लेके आ रहे हैं वो पढ़ेंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशंस जो है वो आज शाम की जो क्लास है, आज रात की जो क्लास है उसमें अपन लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ेंगे, और लेवल ऑफ प्रिवेंशन से राजस्थान CHO तो क्या हर एग्ज़ाम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। चलो साथियों, अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं रात को 9 बजे वाले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।